हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कंचन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूं शाही दाल, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। शाही दाल बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है हाफ कप मसूर की दाल, हाफ कप चने की दाल, हाफ कप उड़द की दाल। सबसे पहले इन दालों को हम धो लेंगे। अब इसे हम डालेंगे प्रेशर कुकर में। अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 गिलास पानी। एक बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, हाफ चम्मच हल्दी और हाफ चम्मच नमक, हाफ चम्मच तेल। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर 4 सीटी लगाएंगे। चार सीटी लगाने के बाद ये दाल अच्छे से गल गया है, तो अब इनका मसाला तैयार कर लेते हैं। अब डालेंगे कढ़ाही में 2 चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद 1 प्याज बारीक कटा हुआ डालेंगे। छः सात लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई। अब इन्हें भून लेंगे। प्याज भूनने के बाद डालेंगे 1 टमाटर का पेस्ट। टमाटर को भी भून लेंगे। टमाटर भूनने के बाद 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर छोटे चम्मच से और 1/2 चम्मच नमक। अब इन मसालों को अच्छे से भूनेंगे। मसाला जितना अच्छा भुना हुआ होगा हमारी दाल उतनी ही अच्छी बनेगी। मसाले भून गए हैं तो अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा प्याज। 2 चम्मच पानी डालकर इसे भी भून लेंगे ताकि मसाले नीचे से सटे नहीं। हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है, तो अब डाल देंगे ये उबला हुआ दाल। इन्हें मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। अब डाल देंगे गरम मसाला, थोड़ा सा कसूरी मेथी, हरी मिर्च 3 लंबी कटी हुई। अब इनको दाल में मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे ढककर पकाएंगे। अब जो हमारा दाल है वो तैयार है, तो इसका तड़का लगा लेंगे। 1 चम्मच तेल डालेंगे और 1 चम्मच जीरा, करी पत्ता, 4 सूखी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। अब इस तड़के को हम दाल में डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे बारीक कटा धनिया पत्ता, मिक्स कर देंगे इसे। ये देखिए हमारा शाही दाल तैयार है। इसे प्लेट में निकाल लेंगे
आप इसे ज़रूर बनाइए, इसी तरीके से बनाइए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।